आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप जीमेल आईडी को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हो। इससे पहले रनसोल चैनल से आप सभी को स्वागत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पर जीमेल है, जीमेल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। राइट साइड पे देखिएगा यहाँ पर लोगो है, लोगो पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास जीमेल अकाउंट ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं मेरा इस वाला जीमेल अकाउंट डिलीट करूँगा। सो यहाँ पर देखिए ये वाला जीमेल, ठीक है। इसका नीचे देखिए गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके पास ऐसे ही इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए डाटा एंड प्राइवेसी, डाटा एंड प्राइवेसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे ही इंटरफेस ओपन होगा। देखिए ऐसे ही इंटरफेस आपके पास ओपन होगा, ऐसे ही इंटरफेस ओपन होगा। होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, पूरा नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर देखिए डिलीट योर गूगल अकाउंट, इस पर टच कर दीजिएगा आप। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जीमेल अकाउंट आ गया। यहाँ पर पासवर्ड डालना बोल रहा है आपको, यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको, तो पासवर्ड में डाल दे। अब डालने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है, मैं फिर से एक पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर अगली पासवर्ड में गलत डाल दिया था, यहाँ पर देखते हैं सही है, ये लगता है सही है, मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। लगता है ले लिया, हाँ ले लिया, हो गया, ठीक है। आपके पास देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होगा उसके बाद, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट आ जाने के बाद यहाँ पर जो जो आपको चाह रहा है यहाँ पर दे देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर दे दिया मैं, ये दे दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिलीट अकाउंट बोले लिखा हुआ है, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया।